संगत जी प्यार से कहिए जो परिवार में जो गजियावाला में हमारा परिवार है उस परिवार में जो प्यार एक दूसरे का सत्कार ये भाव तो यहाँ बैठ के देखने को मिला तो इसमें साफ दिखता है कि महापुरुषों का आपस में प्यार एक दूसरे के साथ मिलवर्तन एक दूसरे का ध्यान रखना और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हर चीज में गुरु को हाजिर नाजिर मान के इस निरंकार प्रभु की उपस्थिति को जानकर अपने सारे कार्य करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसा एक बड़ा आदरणीय गुरु चमोली जी कह भी रहे थे कि हम सब गृहस्थ जीव हैं और जो गृहस्थ जीव होता है उसको जहाँ संसारिक अपने कार्य करने होते हैं वही साथ संगत कुछ ना कुछ हमारी परमात्मा के प्रति भी जिम्मेदारी है क्योंकि संसारिक कार्यों के साथ साथ ही हमारे को परमार्थ के कार्य के लिए भी इस दुनिया में भेजा गया है क्योंकि संसारिक कार्य तो सारे कर रहे हैं और इन कार्यों के कभी कोई अंत नहीं होता है ना कभी इन कार्यों को करके कोई संतुष्ट होता है क्योंकि जैसे जैसे भी मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य की जरूरतें मनुष्य का परिवार जब ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं तो हर पल हमारी आवश्यकता बदलती रहती है लेकिन जैसा कि हमने कहा भी कि ऐसा समय आता है कि जब मन से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि तू ही अहंकार तू ही अहंकार तू ही अहंकार कि अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस अहंकार के अंदर ही कर रहे हैं और इस प्रभु की रजा से ही कर रहे हैं और जो भक्ति है वो किसको कहते हैं तो साथ संगत जो भक्ति है वो एक बैलेंस का नाम है क्योंकि हमने जब गृहस्थ में रहना है जब हमने निरंकारी मिशन को ज्वाइन किया या हमने इस प्रभु के दर्शन किए तो सबसे पहले हमारे को 5 प्रण दिए गए और उसमें पहला प्रण ही है कि तन मन निरंकार की देन है इसको प्रभु का ही समझना है तो साथ संगत इसमें से इसका सीधा सा अर्थ यही है कि इसमें से कोई भी चीज़ हमारी नहीं है हम विद्युत जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे को किसी के द्वारा दी गई हैं हमारे को परमात्मा के द्वारा दी गई हैं और हमारा कार्य इन चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से रखना है और सुंदर ढंग से रखने के लिए ही बार बार महात्मा कहते हैं कि हमारे को सत्संग करनी है और सत्संग में आने से क्या होता है वो तो साथ संगत आप स्वयं अपने आप ही कह रहे हैं हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि संगत में आने के बाद हमारा जो मनोदशा है वो किस प्रकार बदलती है और जब ये दशा बदलती है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कोई ना कोई ऐसा प्रेरणा का स्रोत होता है जिसके कारण हमारे जो मन की दशा है वो बदलनी शुरू हो जाती है तो इसीलिए कहा है कि जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाती है तो उसके बाद जो सबसे पहला काम बताया गया है क्योंकि जब हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे संचय बहुत सारी संसारिक ऐसी हमारे पास जैसे अभी अनिल जी भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं पे हमारे को भ्रमित करती हैं लेकिन साथ संगत ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये साथ संगत मनुष्य के द्वारा अपनी सहूलियत के लिए बनाई हुई चीज़ें हैं लेकिन परमात्मा के द्वारा निरंकार के द्वारा किसी भी मनुष्य में कभी कोई भेद नहीं किया गया क्योंकि ये जो सृष्टि है ये परमात्मा सबके लिए एक जैसी ही चलाता है हम ये कहें कि आज भगवान हमारे से नाराज हो गए आज भगवान हमारे से खुश हो गए नहीं साथ संगत ये सिर्फ हमारे मन के अपने भाव हैं ये तो साथ संगत जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे साथ अनेक तरीके की घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं को देखने के बाद ही जब एक दूसरे की हम इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं तो जब हमारे मन से ये शुक्र निकलता है कि सच्चे पातशाह आपने तो जो रस्सी है उसको भी साथ संगत बिल्कुल इतना जो इतनी बड़ी हमारे लिए पहाड़ जैसी विपदाएँ थी उसको आपने इतना सहज कर दिया और इस विपदाओं को सहज करने के लिए सदगुरु बार बार हमें एक ही बात कहते हैं कि हमने संगत से जुड़ना है सेवा करनी है और सिमरन करना है
जब हम सेवा सत्संग सिमरन इस जो परमात्मा के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के बाद आधार है, जब हम तीन चीजों को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सेवा शब्द लिखा है वहां पे ये लिखा हुआ है कि निरंकारी मंदिर में ही सेवा करनी है, जहाँ पे सत्संग शब्द लिखा हुआ है वहां पे यही है कि हमने भवन में संगत करनी है, और जहाँ पे सिमरन लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि किसी विशेष स्थान पर बैठकर ही हमने सिमरन करना है। नहीं साथ संगत, सतगुरु तो सिर्फ एक हमारे को इंडिकेशंस देते हैं, और उसके बाद उस शब्द का कितना बड़ा विस्तार होता है अगर हम इस बात पर विचार करें तो हम देखें कि जहाँ पर सेवा शब्द है, जैसे गृहस्थ में आप सब बहने हैं, गृहस्थ आश्रम का भी निर्वाह कर रही हैं, जैसे सुबह आना, परिवार में बच्चे को स्कूल भेजना, घर पति की सेवा करना, घर पे किसी के पास जानवर है उनको चारा देना, कुछ भी करना, और भी जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, ये भी साथ संगत सेवा के अंग हैं। अब सेवा में क्या होता है कि जब हम पहले सेवा करते थे तो हमारे को ऐसे लगता था कि ये सेवाएं हमारे लिए बोझ हैं, लेकिन साथ संगत जब हमें गुरु के द्वारा ये समझ आ जाती है कि हमने सेवा सत्संग सिमरन करना है, तो ये जो घर के हमारे काम होते हैं ये हमारे को सेवा लगने लग जाती है, और जब उसको हम सेवा भाव से करते हैं तो जिसके लिए हम करते हैं उसको उसका भी साथ संगत हमारे को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि साथ संगत अगर हम किसी कार्य को खुशी खुशी करते हैं तो जो दूसरा महात्मा उस या जो परिवार का सदस्य उस कार्य को देखता है कि मेरे परिवार का सदस्य मेरे लिए ये कार्य कर रहा है, तो उसको भी एक खुशी होती है कि अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहा है, और उसके बाद जब वो बहन अपने घर से या वो भाई अपने घर से संगत के लिए निकलते हैं तो उनके परिवार वाले भी कहते हैं कि आप जरूर संगत जाओ, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ पे सेवा करके जा रहे हैं, गृहस्थ के सारे काम करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 8 बजे संगत में आना है और 8 बजे मान लिया भाई साहब ने दफ्तर जाना है और आप कहो नहीं जी अभी तो मैं आके पहले संगत से 9 बजे आऊंगी और तब आपको मैं नाश्ता बना के दूंगी। हम सोच सकते हैं कि हमारे घर की क्या हालत होगी। तो ये साथ संगत जितनी चीजें हैं ये बैलेंस करनी पड़ती हैं, और आज सतगुरु माता जी बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर चीज को बैलेंस करना है, और जो संसार में साथ संगत हमारे को भ्रमित करने के प्रयास किए जाते हैं वो साथ संगत उन चीजों से हमको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जब हमने इसने निरंकार प्रभु का आसरा ले लिया, जब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी होता है इसकी कृपा से और इसकी रजा से होता है, तो साथ संगत इसमें तो फिर कोई इफ और बट वाला सवाल ही नहीं रहा। साथ संगत दीपक और अंधियारा ये था संगत दो शब्द है कि जब दीपक जलता है तो अंधियारा दूर हो जाता है। ऐसे ही साथ संगत जैसे अभी भाई साहब बहुत महात्माओं का जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने अपने चाहे वो संसारी कार्य हैं सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसके अलावा भी साथ संगत गुरु के प्रचार को दिन रात कर रहे हैं और इस अंधकार को दुनिया से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि साथ संगत दास कई बार ये बात सोचता है कि हम दिए के आकार की तरफ चले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिया मिट्टी का है, दिया सोने का है या दिया पीतल का है, कीमत तो उसमें जलती की लौ की है जिससे रोशनी दूर होती है। और सतगुरु ने तो साथ संगत हमें रोशनी दी है, हमें दिया ने दिया तो जैसा भी है साथ संगत हम दिए की शेप पे ना जाएं, क्योंकि होता क्या है कि साथ संगत हम देखते हैं संसार में कि उसके घर पे तो ये इतनी बड़ी चीज है, इतना महंगा चीज है, उसका घर बड़ा है, ये छोटा है। साथ संगत हम देखें कि सतगुरु ने जितना हमारे पे कृपा की दी है, जो हमारी सामर्थ्य है, अगर उसके हिसाब से साथ संगत हमारे को सब कुछ सही मिला है तो साथ संगत इससे ज्यादा तो खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि साथ संगत अगर हम ये सोचें कि अगर किसी के पास गाड़ी है वो सुखी होगा और किसी के पास साइकिल है तो वो सुखी नहीं होगा, नहीं साथ संगत, साइकिल वाला भी सुखी है, गाड़ी वाला भी सुखी है। क्योंकि अगर आप साइकिल वाले से पूछो कि आपके पास गाड़ी नहीं है और वो महात्मा है तो वो क्या कहेगा, इसके बहाने तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कहने का अर्थ क्या है कि महापुरुषों के पास जो भी है हमने शुक्राना करना है, लेकिन साथ संगत हम दुनिया में रहते हैं, हमने कर्म भी करने हैं और कर्म के साथ संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ संगत वो घोड़ नहीं होनी चाहिए, वो सहज होनी चाहिए कि सच्चे पातशाह आपको जो ठीक लगता है जो हमारे लिए अच्छा है आप हमारे पे वो कृपा करो। क्योंकि साथ संगत ये चीजें कई बार क्या होता है
कि जब हमारे पास आ जाती हैं तो ये हमारे को सेवा सत्संग सिमरन से विचलित कर देती हैं। हम सब यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पे कृपा करो कि आपने हमें दुनिया के सारे सुख भी देने हैं। वही ऋषि कमल जी के द्वारा लिखी हुई लाइन कि आपने सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली में, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली में। क्योंकि साथ संग जो सदगुरु होता है वो भाव का भूखा होता है। सदगुरु सिर्फ भाव देखते हैं, अगर किसी महात्मा के मन में भाव अच्छे हैं तो साथ संगत आप यकीन मानिए, आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, उस महात्मा के वो सारे कार्य होंगे। लेकिन साथ संगत जब हम विश्वास करते हैं तो उन कार्यों के होने पे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, उसका सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि कई बार जो हम अरदासें कर रहे होते हैं हमें लगता है कि सत्य पाशा हमारी अरदासें कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन दास बार बार इस बात को महसूस करता है कि जब हम कुछ समय बीतता है तो हमें लगता है कि सच्चे पातशाह आपकी कृपा है कि उस समय आपने हमारी बात को नहीं सुना, हमारी अरदास कबूल नहीं करी, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारे को ये आगे नुकसान होना था। लेकिन ये साथ संगत आने वाला कल तो सिर्फ सद्गुरु या नंगार ही जानता है, तो उससे क्या हुआ कि साथ संगत सद्गुरु ने जो हमारे पे सहज कृपा करी वो साथ संगत हमारे लिए अच्छी होगी। और यही बात साथ संगत अवतार वाणी में भी बार लिखी गई, हरदेव वाणी में भी सदगुरु के द्वारा यही बात लिखी गई है कि जो हमने अपना जीवन है, हम जितनी मर्जी किताबें पढ़ते हैं, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर साथ संगत हमारा जीवन सहज नहीं है तो हमारे को किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। और सहज जीवन जीने के लिए ही बार बार संदेह करने के लिए संगत में आने को कहा जाता है। क्योंकि साथ संगत जब हम दुनिया में आज के अगर हम इस समय की बात करें, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि किसी के पास किसी के लिए एक पल का भी समय नहीं है। लेकिन साथ संगत जब हम सदगुरु सत्संग में आते हैं, एक दूसरे की महापुरुषों की बातों को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेते हैं, तो साथ संगत वो जो अनुभव हमने अपने आप करना होता है उस महात्मा के द्वारा जब माइक पे खड़े होकर या आपस में जब हम बात करते हैं उसके साथ बात करते हैं तो हमारे को पता चल जाता है ये जो महात्मा का एक्सपीरियंस है ये तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसा नहीं ऐसे हो जाता, तो उस पर एक मोहर सी लग जाती है कि ये जो काम है इस महापुरुष के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें भी इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाना है। और साथ संगत वही बात बार 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 बार, हम गृहस्थ जीव हैं, हमें गृहस्थ में ही रह के सारी भक्ति करनी है। कभी भी हमारे पे जो महापुरुष हैं इनमें ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये तो निरंकारी हैं, ये तो सारा दिन संतों में घूमते रहते हैं, घरों का ध्यान नहीं देते। हमने साथ संगत अपने परिवार का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं कि हमें संगत की जिम्मेदारी दी गई है, वैसे परिवार की जिम्मेदारी भी हमें दी गई है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, उसको साथ संगत जो भी उसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूर्णतया निर्वाह करते हैं। ये भी साथ संगत सदगुरु की कृपा से होता है, क्योंकि हमने सहज जीवन जीना है। और जब एक चीज को हम सहज जीते हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है और हमारी लाइफ नेचुरल है तो साथ संगत उसका असर किसी ना किसी पर जरूर पड़ेगा। लेकिन जब वो पूछेगा कि आप इतना नेचुरल जीवन कैसे जीते हैं, जब आप उसको कहेंगे कि हमारे पे तो सदगुरु की कृपा है, हम तो निरंकारी परिवार से जुड़े हुए हैं, तब उस महात्मा पे इस बात का असर आएगा कि चलो मैं भी आपके साथ चलकर देखता हूँ कि आपके मिशन में ऐसा क्या संदेश दिया जाता है, आपके सदगुरु के द्वारा ऐसी क्या बात बोली जाती है कि जिससे आपका जीवन पहले तो ऐसे था अब ऐसा हो गया है। तो ये साथ संगत कृपा जो है सदगुरु के ही द्वारा होती है जी। साथ संगत हम सब गजिया वाला में बैठे हुए हैं, जैसे हरदेव वाणी का शब्द है कि एक दीपक से भी सारा उजियाला दूर होना शुरू हो जाता है। साथ संगत महात्माओं ने किस प्रकार यहाँ पर जब एक महात्मा जुड़ा होगा उसके साथ दूसरा महात्मा जुड़ा होगा, फिर तीसरा जुड़ा होगा, किस प्रकार साथ संगत इस प्रचार को यहाँ पर आगे बढ़ाया। और साथ संगत हम जानते हैं कि संसार के बीच में आज कितना अंधविश्वास, इतनी अंधभक्ति है, लेकिन साथ संगत जब तक आपको ये ना पता हो कि इसका परिणाम क्या होगा तो साथ संगत किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। हम पढ़ने में कितने भी अच्छे हो जाएं, हम सारा दिन किताबें पढ़ते रहें,
लेकिन अगर हमारा किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन नहीं है और वो यूनिवर्सिटी या स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है तो साथ संगत उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो वो यही कहते हैं, जैसे हमें कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने बच्चों को पेपर नहीं देने दिए क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं थी या कुछ भी था, इस तरीके की अनेक घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहने का अर्थ यही है कि जब हम अगर हमने उस पर समय भी लगा दिया, खूब हमने मेहनत भी कर ली, लेकिन उसकी साथ संगत कहीं से मान्यता नहीं है तो बिना मान्यता के उस डिग्री की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार साथ संगत जो ब्रह्म ज्ञान है वो हमेशा जो वर्तमान सद्गुरु होते हैं उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। और ये ऐसा आज से नहीं है, ऐसा युगों युगों से है, क्योंकि जब तक सत्संगत गुरु नहीं होगा ये ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और जब ज्ञान प्रकट होता है तो उसके बाद धीरे धीरे सारे संसार में इस ज्योति को फैलाया जाता है। और हर युग में ऐसा हुआ है कि महात्माओं को बात हमेशा जो उस युग में रहते हैं उनको देर से समझ आती है, क्योंकि सत्संगत हमारे दिमागों में रूढ़िवादिता की इतनी बातें भरी हुई हैं कि हमें लगता है कि भक्ति सहज हो ही नहीं सकती। लेकिन साथ संगत आज सद्गुरु माता जी बार बार यही कह रहे हैं कि भक्ति बहुत सहज है, आपने अंतर मन से दीपक को जलाना है। जब आपका दीपक जलेगा, आपके अंदर से जब इधर रोशनी बाहर आएगी तो वो संसार को जरूर प्रभावित करेगी। संसार को तो प्रभावित करेगी करेगी, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अपनी मनोदशा ठीक हो जाती है। और इसीलिए बार बार वहीं से बात शुरू होती है कि हमें कहा जाता है कि हमने सत्संग सेवा सिमरन करनी है, क्योंकि साथ संगत जब हम सुबह सत्संग में आ जाते हैं उसके बाद अपने कार्यों में जाते हैं तो साथ संगत पहले ही मन खुश होता है कि हमने महापुरुषों के दर्शन भी किए हैं, हमने स्टेज पे नमस्कार भी की है, गुरु को भी याद किया है। और साथ संगत उसके बाद संगत में आने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जब हम महात्माओं से मिलते हैं तो हमारी शंकाएं दूर होती हैं, और जब रोज की शंका रोज दूर हो जाएगी तो साथ संगत कभी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि साथ संगत अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें साथ संगत सबसे पहली बात यही आती है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में विचारों का एक ताना बाना इकट्ठा होता है। जब वो इकट्ठा रोज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो साथ संगत उसमें एक गंदगी पैदा होनी शुरू होती है जो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ती है। लेकिन साथ संगत जब हम संगत में आते हैं और रोज का जो हमारे मन में बुरा विचार है, अगर वो बुरा विचार रोज ही खत्म हो जाएगा और एक हम पॉजिटिव थॉट लेंगे तो उसके बाद साथ संगत जो हमारी मनोदशा है वो ठीक होती चली जाएगी। और जब मनोदशा ठीक होगी, जहाँ हमारे परिवार पे उसका असर पड़ेगा, वहीं साथ संगत हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं टीचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें साथ संगत उस पर भी असर पड़ेगा। और जब वो असर पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी आएगी। और ये साथ संगत आती सिर्फ सदगुरु की कृपा से है, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही आती है और सत्संग से जुड़ने के बाद ही आती है। साथ संगत जो ज्ञान है जब सदगुरु के द्वारा दिया जाता है तो इसी से साथ संगत हमारे जो मनों का अंधकार है वो दूर होता है। क्योंकि साथ संगत हम बार बार ये बात तो सुनते हैं कि 84 लाख योनियां के जन्म लेने काटने के बाद हमारे को ये मानव देह की प्राप्ति होती है। और ये मानव देह जो है सतगुरु के द्वारा अहंकार के द्वारा दी गई सबसे अनमोल नियामत है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही ऐसा प्राणी है कि जिसको सुनने की, बोलने की, समझने की हर तरीके की परमात्मा ने शक्ति दी हुई है। और इस शक्ति का जो सही इस्तेमाल है जब हम करते हैं, क्योंकि साथ संगत अगर हम अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म का और अपने मर्म का तीनों का पालन करेंगे तो साथ संगत हमारा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। और जब जीवन सुखमय होगा तो साथ संगत उससे जहाँ हमारे परिवारों में कलह की समाप्ति होगी, जहाँ हमारे परिवारों में आपस में मिलवर्तन होगा, यही साथ संगत सदगुरु की आज यही इच्छा है कि हम यही करें कि सबसे पहली जो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है वो परिवार है। और कोई भी यात्रा जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले परिवार से शुरू होती है। तो सबसे पहले साथ संगत हम सदगुरु के चरणों में सब यही अरदास करें कि हमारा पारिवारिक माहौल भी ऐसा हो कि हम सब बैठ के सिमरन भी कर सकें, घर से सेवा के लिए निकले तो खुशी खुशी सेवा के लिए भी निकल सकें, हम संगत के लिए जाएं तो हमारे बच्चे हमें संतों के लिए छोड़ें कि मेरी मम्मी या मेरे पापा संगत जा रहे हैं, चलो तो पापा मैं आपको छोड़ आता हूँ, मेरे पास तो समय की कमी है, मैं वहाँ पे नमस्कार करके अपने काम पे भी निकल जाऊँगा या कॉलेज चला जाऊँगा। तो धीरे धीरे वो बच्चे भी मिशन के साथ जुड़ते चले जाएंगे।
लेकिन साथ संगत वही हमने अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह आप कृपा करो और जो हमारे आसपास महात्मा रहते हैं हम उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनके दुख दर्द को समझें। ऐसा नहीं कि साथ संगत हम मायावी रूप से उनकी बहुत सहायताएं करें जिससे बाद में आपस में ही किसी तरीके के संबंधों में खराबी आई या वो भवन आना छोड़ दें या संगत आना छोड़ दें। नहीं साथ संगत, हमने एक दूसरे को मोरल सपोर्ट करनी है। हम एक दूसरे के लिए जो हेल्प कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी हम काम करते हैं, जो जो भी हमारे पास ऐसी सेवाएं समाज में सरकार की तरफ से दी गई हैं, हम उन सेवाओं का लाभ भी उन महापुरुषों को देकर, ताकि उन महापुरुषों का जो जीवन है वो भी सहज रहे, हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और अंत में सच्चे पातशाह के चरणों में हम सब मिल के सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करें कि जो प्यार जो संदेश गजियावाला में आप महात्माओं ने एक प्रेरणा का स्रोत बनाकर रख दिया हुआ है, सारे महात्मा चाहे वो गुड्डू चमोली जी हैं, राणा बहन जी हैं, नन्ना बहन जी हैं और भी कितने महात्मा हैं, दास को नाम तो याद नहीं है, लेकिन साथ संगत सब महात्मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस गुरु के प्रचार को कर रहे हैं, सबके चरणों में यही अरदास है कि सबके चरणों में सच्चे पातशाह आप सबके लिए खूब सुख दो और हमेशा संतों की जोड़ी में इनको जोड़ के रखो। और अंत में जो आप महात्माओं की डिमांड है कि हमने यहाँ पर समागम करना है, यह निर्णय महात्माओं आपने लेना है, जो दिन भी आपको सूट करता है आप बता दें, उस दिन यहाँ पे समागम हो जाएगा और सारी देहरादून के साथ संगत बढ़ चढ़ कर आएगी, क्योंकि आपने आपस में ही इतना प्यार बांटा हुआ है और ये जो खुशबू है आपकी गजियावाला की ये पूरे देहरादून में महकती रहती है। तो आपके सब चरणों में अंत में दास यही अरदास करेगा कि हम सब सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह आप सब पे कृपा बनाए रखो और सब अपने साथ जोड़ के रखो और जो जीवन की यात्राएं हैं आपकी कृपा से सबकी सहज संपन्न होती रहे। साथ संगत प्यार से कहिए।